इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। और ज़कात आप जानते हैं कि 40 रुपये प्रॉफिट में से 1 रुपये ज़कात निकलती है, वो ज़कात के पैसों में से अजीम भाई, नज़ीर भाई और बड़े आप सब जिम्मेदार लोगों के सामने गए और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, लोगों से मांगे, मांगने के बाद लोगों ने रुसवा भी नहीं किया, बहुत सारे लोग आ कर के दिए, बहुत सारे लोगों के पास बार बार जाना भी पड़ा। ये जितने लोग खड़े हैं सबों ने कुछ ना कुछ पहले भी दिया था, अब भी वो दे रहे हैं। इस मरतबा नियर अबाउट 60 to 65 lakhs रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है और लोगों को मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अब इस काम में हमने ये कहा कि 15 डेज़ का पैकेट हम पहले अब देंगे, आफ्टर 15 डेज़ हम नेक्स्ट पैकेट गरीबों तक पहुंचाएंगे। तो ये काम हमारा चल रहा है। जैसे ही ये खबर हमारे मिनिस्टर सर, जो कि इस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हर बड़े से बड़ा काम, हर छोटे से छोटा काम अपना काम समझ करके सर करते हैं, जनाब मोहतरम सतीश जारकेवाड़ी साहब को जब ये खबर लगी कि न्यू गांधीनगर से गरीब नवाज फाउंडेशन के ज़रिए 3000 फैमिलीज़ तक राशन किट पहुंचाया जा रहा है, तो आप बहुत खुश हुए और अजीम भाई से कहने लगे कि हम भी आकर के देखेंगे। वो आप आज यहां पर आए हैं और सर को मालूम है कि सारा फंड आप तमाम लोगों ने ज़कात के तौर पर इसमें जमा किया हुआ है और आप ही का ये फंड जो है लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आज सर एक एक चीज़ का जो है नज़ारा किए कि कौन सी चीज़ कैसी है, चावल कैसा है, शुगर कैसी है, टी पाउडर कैसी है, ऑयल कैसा है और हमारी मिर्ची की पाउडर कैसी है, तोर की दाल कैसी है। उन्होंने एक एक चीज़ का मुआयना किया ताकि गरीब लोगों को लॉकडाउन और कोरोना वायरस के मामले में कोई डुप्लीकेट या दो नंबर की चीज़ ना पहुँचे। वो मुतासिर भी हुए, खुश भी हुए, उनके भी तासुरात इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने कहेंगे। वक्त इतना नहीं है कि बहुत सारे लोगों को हम कुछ अपने तासुरात बयान करने के लिए कहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब सतीश जारकेवाड़ी सर से कि आप आएँ, ये जो लोग काम कर रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के तहत, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए और हमारा काम सही तरीके से चलता रहे। इसमें न सिर्फ मुस्लिम हैं बल्कि नॉन मुस्लिम भी हैं, हम उन फैमिलीज़ तक भी जो है पहले भी पहुँचा चुके हैं, इस मरतबा भी पहुँचाएँगे। आप अपने तासुरात हमारे सामने रखें, फिर इंशाअल्लाह ताला ये काम हमारा आगे बढ़ता रहेगा। सभी को नमस्कार। आज गरीब नवाज फाउंडेशन कहलगाम की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सुबह अजीम ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे आज कोकाक में रहने था, रहने के लिए मुझे कुछ प्रोग्राम थे मेरे, उन्होंने बताया। मैंने ऐसे 3000 लोगों के लिए, गरीब के लिए जो किसको चाहिए, नीडी है, उसके लिए हम फूड किट तैयार किया है। इसके लिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया, मैं 4 बजे आता हूँ क्योंकि मुझे वापस फिर मुझे गोकाक जाना है और कुछ काम है उधर। मुझे ऐसे काम पहले से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सोशली वर्क ऐसा गरीब के लिए। आप लोगों ने फ्लड में तो आपका राइस हर जिला मेरा सांगली तक भी शायद गया है आपका, हाँ बिरयानी वेजिटेबल राइस बेलगम से आया है, पहुँचा है, उसमें कोई जात मजहब नहीं देखा है, फिर सबको खाया है, वो तो आज तक याद है, यादगार है। आज भी उससे बड़ा काम किया क्योंकि तभी थोड़े लोग इफेक्ट हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, बहुत कम लोग इफेक्ट हुए थे, आज के पूरा देश के लोग इफेक्ट हो गया है, तकलीफ़ में है। आज आप फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके हम कितना भी आपका शुक्र गुजार करो, बहुत कम है। आपने पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसे अच्छे अच्छे काम आप लोगों ने किया है, आगे भी आप करते रहिए, आपके साथ हम भी रहेंगे क्योंकि आज लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा, बहुत कोई नहीं सोचा था, हाँ ऐसे आएंगे हम, अंदर रहेंगे, सभी हमारा काम रोक जाएंगे। आप अच्छे काम कर रहे हैं, करिए, आपके साथ है, हम भी इसके लिए 2 लाख रुपये मेरे तरफ से आपको देता हूँ। आप अच्छे काम कर दिए, अजीम भाई है, आप बहुत सारे लोग हैं, आपका नाम मैं जाता हूँ, सभी का इसमें साथ है, आपके सपोर्ट से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप कर दीजिए, आपके साथ हम भी हैं। नमस्कार।